बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी का 3 दिवसीय बस्तर दौरा है, जिसमें पार्टी की बैठक में कार्यकर्ताओं से चर्चा के साथ ही वो स्थानीय कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। आज दोपहर 12 बजे जगदलपुर के लिए वो रवाना हो जाएंगे और आपको बता दें कि धमतरी जगदलपुर पहुंचने के बाद कार्यकर्ताओं से वो सीधे मुलाकात करेंगे, फिर जगदलपुर से दंतेवाड़ा पहुंचेंगे और रात्रि विश्राम भी वो करेंगे। 11 जुलाई को दोपहर 12 बजे बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक में वो हिस्सा लेंगे और उसके बाद दंतेवाड़ा से जगदलपुर के लिए वो रवाना हो जाएंगे। 12 जुलाई को तोकापाल पहुंचकर कार्यकर्ताओं की बैठक में वो शामिल होंगे। 12 जुलाई को देर रात रायपुर लौट आएंगे उसेंडी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ स्वराज संवाददाता हेमंत शर्मा लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेमंत, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का दौरा है, कितना खास ही रह सकता है? देखिए मिश्रा, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं विक्रम उसेंडी, उनका 3 दिवसीय बस्तर दौरा आज से शुरू होगा। करीब दोपहर 12 बजे वो रायपुर से प्रस्थान कर धमतरी कांकेर होते हुए करीब शाम 5 बजे जगदलपुर पहुंचेंगे। जगदलपुर में कुछ मिनट कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर सीधे वो दंतेवाड़ा जाएंगे और दंतेवाड़े में रात्रि विश्राम करने के बाद 11 जुलाई यानी कल जो भाजपा जो जिला कमेटी की बैठक है वहाँ पर उसमें वो शामिल होंगे, क्योंकि दंतेवाड़ा में बैठक इस लिहाज से महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ उपचुनाव होना है। जो भाजपा के विधायक थे भीमा मंडावी, उनकी नक्सलियों ने हत्या कर दी थी, उसके बाद से वो सीट खाली है, उसका उपचुनाव होना है। तो इस सिलसिले में वहाँ पर जो बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण जा रही है, कई दिशा निर्देश कार्यकर्ताओं को विक्रम उसेंडी दे सकते हैं। इसके बाद विक्रम उसेंडी वहाँ से जगदलपुर के लिए रवाना होंगे। जगदलपुर में वो कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, कई संगठनों से भी बातचीत करेंगे। उसके बाद अगले दिन 12 जुलाई को जो उनके दौरे का अंतिम दिन रहेगा वो दोपहर 12 बजे तोकापाल जो बस्तर का एरिया है वहाँ पर जो कार्यकर्ताओं की बैठक है उसमें शामिल होंगे। उसके बाद फिर धमतरी कांकेर जो का इलाका है उस इलाके से होते हुए रायपुर लौट आएंगे। तो काफी महत्वपूर्ण दौरा है क्योंकि उपचुनाव दंतेवाड़ा में होना है। इसके अलावा नगरी निकाय जगदलपुर का नगर निगम में आता है, वहाँ भी चुनाव होना है, तो ये काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है उनका दौरा। जी, और जैसा कि आपने जिक्र किया हेमंत, कार्यकर्ताओं के साथ वो खासी बैठकें करेंगे, किन मुद्दों को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हो सकती है? देखिए, जिस तरीके से दो बैठकों में वो शामिल होंगे, एक दंतेवाड़ा, एक दूसरा तोकापाल, इन दोनों बैठकों में वो कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देंगे। बैठक में जो स्थानीय मुद्दे हैं और जो सरकार जिस प्रकार से राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन बीजेपी लगातार कर रही है कि उन्होंने वादा खिलाफी, चाहे वो महिला हो, चाहे किसान हो, चाहे बेरोजगार हो, इन सभी से उन्होंने सरकार ने धोखेबाजी की है, तो इसको लेकर वहां पर बैठक में चर्चा होगी। स्थानीय मुद्दे, क्योंकि नगर निगम का जो चुनाव होता है, नगरीय निकाय का जो चुनाव होता है, उसमें स्थानीय मुद्दे जोर शोर से काम करते हैं, तो इस सब छोटे छोटे मुद्दों को उठाने की कोशिश उसमें होगी। इसके अलावा इस तरीके से तैयारी नगरीय निकाय चुनाव के लिए किया जाए उस पर भी उस बैठक में चर्चा होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए हेमंत। और अब मुंगेली से आपको बड़ी खबर बता